Brother Sunil Dadde. सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का शुभ अवसर दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यह सत्य है और सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट माननीय योगी जी की सरकार ने यहां प्रस्तुत किया है। और जब मैं बजट की ओर देखता हूं और जो हमारे विपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो मुझको ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बजट को वर्टिकली देखा है, इसको क्रॉस सेक्शंस में जाकर नहीं देखा, इसको हॉरिजॉन्टली नहीं देखा। वो बजट के आंकड़ों में ज्यादा उनको उन्होंने देखा, उसके छिपे पीछे उसके छिपे भाव को, उस बजट की आत्मा को, उस बजट के सार को नहीं देखा। माननीय, मैंने कई बार इस बजट को पढ़ा और जब भी मैंने इस बजट को पढ़ा तो मुझे इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण का मनोविज्ञान, जैमिनी ऋषि का दर्शन शास्त्र, आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र, अटल बिहारी वाजपेयी जी की संवेदना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय दृष्टिगत होता है। और मुझे लगता है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में यह सिर्फ एक बजट नहीं है बल्कि उनकी अर्थनीति का एक नियामक ग्रंथ है। ऐसा लगता है जैसे एक परिवार के मुखिया ने पूरे परिवार की संपन्नता के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उससे उसके सुख के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए और उसके समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए पूरा बजट बहुत सूझबूझ और पूरी दूरदृष्टि के साथ बनाया है। ये सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है, सारे वर्गों की चिंता इस बजट में की गई है। आज देश विकसित होगा, समृद्ध होगा हमारे युवाओं के कंधों से। हमने पूरा प्रयास किया है कि हम युवा को आगे ले जाएं, आज की समय के हिसाब से ताल और कदम से कदम मिलाकर और चले, वो अपडेटेड हो। इसके लिए जो तमाम योजनाएं हम युवा के लिए लेकर आए हैं उनमें मान्यवर 3600 करोड़ का हमने प्राविधान किया है, इसमें स्मार्टफोन और टैबलेट देने का। मान्यवर, जरूरी नहीं है कि हर युवा रोजगार पा सके, इसके लिए हम लोग स्टार्टअप को बढ़ावा देने जा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं माननीय मोदी जी की सरकार ने चलाई हैं, बहुत सारी योजनाएं हमारे माननीय योगी जी की सरकार ने चलाई हैं। युवाओं को हम ये मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपना स्टार्टअप करो जाकर। इस प्रकार से युवाओं को हम साथ लेकर चल रहे हैं, उनको किस प्रकार से हम रोजगार दें, कैसे उनको संस्कार दें, कैसी उनकी शिक्षा हो, ये पूरा इस बजट में चिंतन किया गया है। महिलाएं, हम सभी जानते हैं आज अगर सुरक्षित हैं तो माननीय योगी जी की सरकार में सुरक्षित हैं। महिलाएं जो परेशान रहा करती थी, शाम को 6 बजे के बाद निकलती नहीं थी, आज वो महिलाएं कानून व्यवस्था की दृष्टि से हमारी सरकार में सुरक्षित हैं। हमने महिलाओं का भी बहुत चिंतन किया है, बहुत सारी योजनाएं उनके लिए लेकर आए हैं और खासतौर पर जो निर्धन परिवार हैं, जो अपने बच्चियों की शादी करने में जिनको दिक्कतें आती हैं, वहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हम अपने बजट में लेकर आए हैं। हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लेकर आए हैं। हम अपनी निराश्रित बहनों को मदद देना चाहते हैं, सहायता देना चाहते हैं। पूरा महिला समाज, पूरा हमारी जो माताएं और बहनें हैं, वो कैसे सुरक्षित रहें, कैसे सुव्यवस्थित रहें, उज्ज्वला गैस के माध्यम से भी हम उनको लाभान्वित कर रहे हैं। 3000 करोड़ का प्रावधान हमने मानवर इस बजट में उनके लिए भी रखा है। जो हमारा अन्नदाता है, वो जो किसान है, जो सूरज की सबसे पहली किरण उगने से पहले भी खेत में चला जाता है और पानी लगाता है, जो लू में तपती दोपहर के थपेड़ों में परिश्रम से काम करता है, चाहे मूसलाधार बारिश हो रही हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो, लेकिन वो पूरे परिश्रम से वहां काम करता है, उसके लिए हमने नमन किया है। हमने विनम्रता से नमन करते हुए उसके लिए भी प्रावधान किया है। किसानों की सिंचाई के साधन कैसे अच्छे हों, जो निजी नलकूप किसानों के हैं उनमें भी हम निःशुल्क बिजली और रियायती दरों पर उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इसके लिए मानवर 1950 करोड़ की हमने व्यवस्था की है। गन्ना किसानों के संबंध में हम पहली बार भी कहते आए हैं कि अगर सबसे ज्यादा चिंता की है तो माननीय योगी जी की सरकार ने की है। 1,96,000 करोड़ रुपया हम गन्ना किसानों को दे चुके हैं। कैसे चीनी उद्योग विकसित हो, कैसे पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हमारी खेती बने, हमारी किसानी बने। और धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय योगी जी की सरकार का, जो नीतियां कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार की रही हैं, आज यही कारण है कि कई उत्पादों में पूरे देश में अगर कोई नंबर एक आ रहा है तो वो उत्तर प्रदेश आ रहा है। हमने किसानों की भी चिंता की, कृषि की भी चिंता की, हमने गोवंश की भी चिंता की, पशुपालन की भी इसमें प्राविधान किया है।
और मत्स्य पालन के लिए भी हम मान्यवर 257 करोड़ 50 लाख रुपए का प्राविधान हमने इसमें दिया है। हम सारे वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। हमने जो कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में सुधरी है, जिस प्रकार से निष्पक्ष रूप से पारदर्शी रूप से ईमानदारी से यहाँ पुलिस भर्तियां हुई हैं, आज उनके आवास की भी आवश्यकता है। उनका मनोबल बढ़ेगा अगर उनको आवास मिलेगा। इसके लिए 1000 करोड़ का प्राविधान हम इस बजट में लेकर आ रहे हैं। जो महिला हमारा पुलिस बल है, पुलिस बल को भी हम मुख्य धारा में लाने के लिए 3 महिला PSC के बटालियन गठित करने जा रहे हैं। मान्यवर फॉरेंसिक लैब लेकर आ रहे हैं, साइबर क्राइम कैसे रुके उसको लेकर आ रहे हैं, और एक तरीके से जो गुंडागर्दी पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, जो माफिया तंत्र पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, जिस प्रकार से जो माफिया पूरे उत्तर प्रदेश में जिनकी तूती बोलती थी, आज वो मिट्टी में मिल रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश इसको देख रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं मान्यवर, गर्मियां आने वाली हैं, आम के पेड़ पर आते हुए बौड़ का स्वागत करें, और माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं, ये दौर योगी का है, इस दौर का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन मिनट मैं देख लीजिए, आप 6 मिनट से अधिक बोल चुके। ऊर्जा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हैं, और ऊर्जा में हमने जो अद्वितीय कार्य किया पूरे उत्तर प्रदेश में, इस बार उसे हम सौर ऊर्जा से भी सम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। विपक्षी लोगों को सुन रहा था मेजर साहब, विपक्षी को सुन रहा था तो मैं आऊ एक बात कह के अपने फरुखाबाद की तो बात कह दूं। फरुखाबाद में नगर पालिका उत्तर प्रदेश की दूसरी या तीसरी बड़ी नगर पालिका है। शासन से सरकार से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इसको स्मार्ट नगर पालिका के रूप में घोषित कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साहब विनोद सरोज जी। दूसरी जी अधिष्ठाता महोदय, हमारा एक प्रस्ताव विद्युतीय केबलीकरण का सरकार के पास लंबित है, वो भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा वहाँ पार्कों का निर्माण हो जाए, एक रामनगर या मेला लगता है उसका निर्माण अच्छा रहेगा। बस आखिरी में महोदय, प्लीज आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। अपना नहीं कर रुकते किसी तूफान के डर से, सफर अपना नहीं रुकता, इरादा कर लिया तो फिर इरादा नहीं रुकता। हमें जी 5 मिनट समय है, आप बोलिए मेरे साहब, प्लीज मेरे साहब, नहीं बोलने का तुम मोजा है, इसके लिए आपको भी समझाना।